क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसका आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि आखिरी लेक्चर है। एंड बाय द वे लेक्चर 1 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेज 144 से लेकर के 148 तक। लेक्चर जबरदस्त लंबा होने वाला है तो पूरी श्रद्धा से सुनना। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिस चीज के बारे में मैं अक्सर बताता हूं, अगर तुम पूरा लेक्चर देखते हो तो जरूर देख लेना। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जो आपको नीचे कमेंट्स में पिन मिल जाएगा, तो उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मूविंग फर्दर, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक आउट। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हां, तुम्हारा प्यारा भाई। लेट्स मूव फर्दर। कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है ट्राई दिस। इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर करना, आई बड़ा हो गया। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। तो क्या करना है हमको, कुछ कोशिशें करनी है, कामयाब कोशिशें करनी है सर। बाय द वे, तो सबसे पहले हम एक ये फ्लास्क के अंदर क्या लेंगे, वाटर लेंगे, दूसरे में केरोसिन लेंगे और फिर ऑयल लेंगे। केरोसिन की भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्लीज चेक कर लेना। उसके बाद हम थोड़ा सा कोल पाउडर लेंगे, कोल पाउडर को हम तीनों में डाल देंगे, थोड़ा सा ऐसा मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, हम ये मिक्सचर्स को जब तीनों ही कॉनिकल फ्लास्क के ऑब्जर्व करने वाले हैं तो तीनों में भी ये कोल पाउडर मिक्स नहीं होता, मतलब कि कार्बन इनसॉल्युबल है इन सारी चीजों में। कोल पाउडर रिमेन्स अनडिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं होता। सिंपल सा था, तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखने वाले हैं। यहां पे आई है, आई दिख रहा है कैपिटल, वैसे लिखा मेरा स्मॉल है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किया, कुछ एपरेटस और कुछ केमिकल्स कलेक्ट किए, जैसे माचिस, टॉंग्स, बर्नर, कोल और एक मॉइस्ट लिटमस पेपर जो कि ब्लू कलर का है। मॉइस्ट मतलब हल्का गीला, ठीक है, हल्का गीला सा लिटमस पेपर लिया। अब मैंने क्या किया, कोल को इसके ऊपर रख करके कोल को आग लगाया, तो कोल धीरे धीरे जलेगा और कोल में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलेगा। मैं मॉइस्ट लिटमस को लाऊंगा, लिटमस पेपर को लाऊंगा और इसके सामने रख दूंगा। अब समय के साथ क्या होगा कि ये धीरे धीरे लाल कलर का हो जाएगा। ब्लू लिटमस रेड कब होता है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में तुमने सीखा था, जब कोई भी चीज एसिडिक होती है। अब जब ये कोल जल रहा होगा तो यहां से क्या निकल रहा होगा बताओ, इस कोल जब ये जल रहा होगा तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के सामने लिटमस पेपर को लाने से अगर वो रेड हो रहा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होगा। बात समझ में आ रही है, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन से हमने ऑब्जर्व क्या किया, पहली बात, अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ऑक्सीजन गैस है ना, विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्निटिंग। जब उसको जला रहे थे तो कौन से गैस के साथ रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ। व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म, कौन सा सब्सटेंस बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया क्योंकि एसिडिक इन नेचर था वो। अब अगर इन्हीं चीजों को मैं अगर थोड़ा सा एक प्रोसीजर के साथ लिखने जाओ, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव प्रोसीजर, तो कैसा होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अब क्योंकि हमारा जो लिटमस पेपर था वो मॉइस्ट था, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एक एसिड बना रहा है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि ये एक एसिड है, तो ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड कलर का बना रहा है। सिंपल, या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वैसे भी एसिडिक इन नेचर होता है, ये तुम याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ट्राई दिस करते हैं, रिएक्शन ऑफ CO2 विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिला दो, चूने में पानी मिला दो, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिला दो, तो बेसिकली लाइम वाटर है ये। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, सही है, ठीक है, तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिलाना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो ऑलरेडी पानी होगा, हाय जाने देते हैं, इन चीज को तुम थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेना। वैसे CaO के अंदर जब उसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaOH2 बन जाता है, और ये लाइम वाटर है बेसिकली। और मेरे पास एक स्ट्रॉ चाहिए इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये तो शब्दों का खेल है, तुम गूगल करके भी निकाल लोगे, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो लाइम वाटर
ठीक है, और तुम्हारे पास एक स्ट्रॉ होना चाहिए। अब तुम क्या करोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब में लोगे। अब ये जो लाइम वाटर होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है, और इसके अंदर तुम क्या करोगे, एक स्ट्रॉ डालोगे और मुंह से फूंक मारोगे। अब जब तुम्हारी सांसें निकलती है उसके अंदर लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो इसका कलर चेंज होगा और ये दूध के जैसा दिखने लगेगा। अभी मैं मानता हूं थोड़ा कलर अलग है, लेकिन ये थोड़ा मिल्की हो जाएगा, मतलब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। दूसरा सवाल, व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड द चेंज, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म फ्रॉम द एयर रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ठीक है। तो लाइम वाटर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चीजें थोड़ी और आगे तक तुम सीखोगे, ऐसे कुछ रिएक्शन तुमने एसिड बेस सॉल्ट्स में भी सीखा है। लेट्स टर्न सम क्वेश्चंस आउट, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स या नन ऑफ दिस। तुम्हें इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तुम्हें सही से बताना है इन सब में से। अगला क्वेश्चन है, नहीं अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड का, हम देखने वाले हैं अब इंट्रोडक्शन। तो जनाब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, CO2। ये हम जो फॉर्मूला की बात कर रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले CO2। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तुम्हें निकालने आना चाहिए, ऑलरेडी सिखा रखा है, ऑल द लिंक्स ऑफ द चैप्टर आर इन डिस्क्रिप्शन, 44 आएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका -56.6 डिग्री सेल्सियस, और ये कलरलेस और ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, गैस है, जो भी बोलना तुम्हें, ठीक है। तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, और ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई खुशबू नहीं होती है। मतलब मान लो आसपास जब पॉल्यूशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है तो तुम्हें दिख रहा है ओ लाल कलर का कार्बन डाइऑक्साइड, हो भगवान ये देखो कितनी खुशबू आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऐसा नहीं होता, राइट। तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस है। आगे बढ़ते हैं, ऑकरेंस ये पाया कहां जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड occurs in the air in the free state to an extent of about 0.03%, ये हमने already पढ़ा है। तो 0.03% ये air में free state में जो हम सांस छोड़ते हैं, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 is present as a salt in chalk, शाहबाद, tiles, marble, limestone, तो इन सब के अंदर ना एक salt के रूप में present होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड is also given out in combustion of wood, अगर लकड़ियों को हम जलाते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं या फिर कोल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और आगे बहुत कुछ सीखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक कैंडल को जलाया, ऑक्सीजन चाहिए होता है जलने के लिए, और मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिलेंडर में रख के बंद कर दिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसके आसपास लाया, तो क्या होगा, ये बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या करता है, ना तो किसी चीज में आग लगने देता है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करता है, ना तो जलते रहने को सपोर्ट करता है। इसीलिए शायद जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वैसे आज वो हम पढ़ने वाले भी हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, और हमने एक चीज और देखा था कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, दैट मीन्स कि ये एसिडिक नेचर का होगा, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। कुछ और केमिकल रिएक्शन देखते हैं जिसमें CO2 इन्वॉल्व है, CO2 इन्वॉल्व है इन द सेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। पहला वाला है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, सोडियम कार्बोनेट मतलब वही हमारा वॉशिंग पाउडर मीना, वॉशिंग पाउडर मीना, यस, इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर अब तक तुम 9th स्टैंडर्ड में मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, NaOH। तो देखो हमारे पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये टू बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उसे पास करेंगे तो Na2CO3 बन जाएगा, और इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर वाला भी टॉपिक है, तुमने पढ़ा होगा, तो वो भी होता है, और बाय द वे वाटर भी बनता है थोड़ा सा, ठीक है। कुछ और देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, वही तुम्हारा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब तुम्हारे मन में यहां पे भी एक सवाल आना चाहिए कि एक्यूअस सॉल्यूशन क्या होता है, और यहां पे भी एक सवाल आना चाहिए कि एक्यूअस सॉल्यूशन क्या होता है।
अगर तुम मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो तो तुम्हें पता होगा किसी भी पाउडर के अंदर अगर हम थोड़ा सा पानी मिला दे तो उसका एक्यूएस सॉल्यूशन बन जाता है। तो एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। सो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन नेम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? बेकिंग सोडा। केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? Na2CO3 जिसका एक्यूअस सॉल्यूशन हमारे पास मतलब पानी में मिलाया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है इसको, NaHCO3, याद रखना। मूविंग फर्दर बच्चों, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2H तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें कॉमेंट करके बताना है। एक्सेल एयर कंटेंट डैश परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तुम्हें कॉमेंट करके नीचे बताना है। फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताना, और साथ में साथ एक ही चीज और कमेंट करनी है कि क्या वॉशिंग सोडा में वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, यस या नो। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, और हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में काफी कुछ बात करेंगे और थोड़ी सी चीजें नहीं भी बात करेंगे इस टेक्स्ट बुक से, जैसे कि प्रिपेरेशन कैसे होता है, ठीक है, वो तुम 11th में सीखोगे। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं सीधे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां यूज होता है, प्रॉपर्टीज देख ली, ऑकरेंस देख लिया। तो CO2 इज यूज टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स, जो भी तुम ये सब पीते हो ना इसके अंदर होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कोल्ड स्टोरेज के काम में आता है, जहां पे आप दूध रख सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स रख सकते हो, फ्रोजन सब्सटेंस रख सकते हो ट्रांसपोर्ट के समय में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ मिस्ट, मतलब मॉइस्चर, इन ड्रामाज एंड मूवीज, तो मूवीज और ड्रामाज में भी काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई प्रेशर में, अंडर प्रेशर, जो प्रेशर होता है उसके उस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। कैसे क्या हमें डिटेल में पढ़ना है, तो तुम याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। बाकी ये सारी चीजें तुम नहीं भी याद रखोगी तो कोई बात नहीं, नोट्स पे मत लिखना, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। लिक्विफाइड CO2, मतलब पानी में मिलाया हुआ जो CO2 होगा, इज यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी, उससे हम कॉफी जो होता है ना उसके अंदर से कैफीन निकाल सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें होती है ना जिसमें कैफीन डाला होता है, तो उसके लिए लिक्विफाइड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला भी यहां तक समझ में आ गया होगा और ये काफी सिंपल लग रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूज और आई थिंक आखिरी यूज नहीं, छठा एक और यूज है। तो लिक्विड CO2 इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। मैं थोड़ा इसको बोल्ड नहीं कर पाया, मतलब सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। साथ ही साथ लास्ट वाला, कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लेट्स गो फर्दर, कुछ क्वेश्चंस है। डैश यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, तुम्हें कमेंट करके आंसर बताना है। डैश इज यूज्ड टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स, तुम्हें कमेंट करके बताना है। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है फायर एक्सटिंग्विशर्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ये उसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो फायर एक्सटिंग्विशर का एक जनरल स्ट्रक्चर ये होता है। एक नॉब होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे कैप्सूल होता है जो कैप्सूल टूटता है बाय द वे, इधर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का वो होता है जो हमने देखा था पहले, ठीक है। अब वॉकिंग देखो, फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, हमें पता है, हमने अभी देखा। देयर इज ऑल्सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस इन ग्लास कैप्सूल, ग्लास कैप्सूल के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। द कैप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब, जो नॉब था उसको जब हम दबाते हैं तो कैप्सूल टूट जाता है। द सल्फ्यूरिक एसिड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है अंदर पाउडर फॉर्म में उसके कॉन्टेक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड आता है विद द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टू रिएक्ट्स केमिकली टू रिलीज CO2 विच कम्स आउट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट और जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, हम रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है। CO2 based fire extinguisher do not cause corrosion and are non-conductor of electricity. अब CO2 जो जिस फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 होता है वो चीजों पे जंग नहीं लगने देता, जंग नहीं लगाता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता, मतलब अगर कभी बिजली के कारण आग लगी है तो उसको भी इससे बुझाया जा सकता है। Therefore, they are used when electrical and electronic equipment caused fire. अगला वाला पॉइंट, CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश स्मॉल स्केल फायर, मतलब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इससे हम छोटे स्केल पे आग को बुझा सकते हैं, बड़े स्केल पे नहीं, इसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आग लगाओगे तो कितने डब्बे लेके जाओगे बुझाने के लिए। अगला देखो, अब मॉडर्न डे के जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है उसके अंदर लिक्विड एंड सॉलिड CO2 इज फिल्ड अंडर प्रेशर, लिक्विड और सॉलिड CO2 डायरेक्टली भरा होता है, रिएक्शन करा के CO2 आएगा ऐसा नहीं है। ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, जैसे ही हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं गैस कम आउट फोर्सफुली थ्रू द हॉर्न लाइक
होस पाइप, अभी ये उसका स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे ही मतलब प्रेशर को रिड्यूस करते, मतलब नॉब को थोड़ा खोला जाता है, ढीला किया जाता है, दबाया जाता है, दबाओगे तो ऊपर आएगा और प्रेशर रिलीज होगा, थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस होगा अंदर, तो CO2 बाहर आता है। केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है, सोडियम बाइकार्बोनेट पहले वाला, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट प्लस H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। यहां तक क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन विच पाउडर, कौन सा पाउडर होता है तुम्हें कमेंट करके आंसर बताना है। फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन विच एसिड, तुम्हें नीचे कमेंट करके इसका भी आंसर बताना है। अब हमारा सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है मिथेन। मिथेन को समझते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला CH4 होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। मॉलिकुलर मास 16 होता है इसका, देख लो कार्बन 12 और ये 4, 12 प्लस 4 16। ऑकरेंस के बारे में बात करें तो मिथेन ऑकर्स इन नेचुरल गैस टू एन एक्सटेंट ऑफ 87%, जो तुम्हारा नेचुरल गैस होता है मतलब बायोगैस, उसमें 87% तक है ये। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जिसमें एयर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो प्रोड्यूस करता है मिथेन बायोगैस में। इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। मिथेन इज प्रेजेंट इन बायोगैस, मिथेन बायोगैस में प्रेजेंट होता है और मिथेन कोल माइंस में भी फाइंड किया जाता है, फाउंड होता है, ठीक है। एक और बात, मिथेन इज फाउंड एट द सर्फेस ऑफ मार्सी प्लेस, मतलब गंदे जगह जो होते हैं जहां पे कुछ भी सड़ रहा होता है वहां पे ये पाया जाता है मिथेन, इसलिए इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। और जब तुम मिथेन को थोड़ा हीट करोगे, ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिक्सचर को जब तुम हीट करोगे 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल एक एलिमेंट है जिसके जिसको एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे तो मिथेन गैस फॉर्म होगा। रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इनका मिक्सचर है, 300 डिग्री सेल्सियस पे निकल के प्रेजेंस में हीट करोगे तो CH4 बनेगा और वाटर बनेगा। इन चीजों के बारे में तुम डिटेल में 11th में पढ़ते हो, 9th में पूछने की संभावनाएं कम है, इनफैक्ट 10th में भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो तुमने अर्ली स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मिथेन इन प्योर फॉर्म, वो प्योर फॉर्म में तुम्हें मिथेन देते हैं। इसके बारे में सीखना है तो मैंने 7th स्टैंडर्ड के कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उनको सर्च करके देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मिथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पे वो मेल्ट होने लगता है वो बहुत ही कम है, -82.5 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है -161.5 डिग्री सेल्सियस और वो कलरलेस गैस होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला था। और इसकी जो डेंसिटी होती है मिथेन, लिक्विड मिथेन की, वो पानी से भी कम होती है। तो अब तुम्हें एक सवाल का जवाब देना है कि अगर पानी से कम है तो पानी के ऊपर तैरेगा कि पानी के अंदर डूब जाएगा, सोच समझ के नीचे कमेंट्स में आंसर देना। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो मिथेन इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी में घुल जाता है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि गैसोलीन, ईथर एंड अल्कोहल, उसके अंदर ये हाईली सॉल्युबल है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैंने तुम्हें बताया था और सॉल्वेंट तुम्हें पता है, तो तुम कमेंट करके बताओगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा रिसर्च कर लो कि पता हो जाए। अगला, मिथेन इज इन गैसियस स्टेट, मिथेन कैसा होता है, गैसियस स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मिथेन गैसियस स्टेट में होता है। और अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मिथेन इज हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब इसमें आग लग जाता है, हाईली इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल होना चाहिए, जाने दो। इट बर्न्स ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव ब्लूइश फ्लेम, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और ब्लूइश फ्लेम देता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और ब्लूइश फ्लेम देता है। इन रिएक्शन 2.13 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ हीट इज गिवन आउट, मिथेन बर्न्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से मिथेन बर्न हो जाता है, पूरी तरीके से बर्न होता है। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो CH4 प्लस ट्वाइस O2, मतलब ये बस बैलेंस करने के लिए लिखा है, तो तुम्हें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा मिलेगा और थोड़ा सा वाटर वेपर भी मिलेगा। मिथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और है क्लोरीनेशन, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग पर, कुछ चीजें चेक करनी है मुझे अपने करनी है। चलो, तो मैंने सब सही किया है, कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। क्लोरीनेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में अगला जो है वो क्लोरीनेशन है। मिथेन एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट विद ईच अदर, मिथेन और क्लोरीन गैस Cl2 जो होता है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एट टेम्परेचर 250 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में, और वो बनाते हैं मिथिल क्लोराइड।
CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, अब HCl तुम्हारा जो एसिड होता है ना HCl सिंपली वो बनाता है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इस रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी कहते हैं। रिएक्शन जो है वो ये है कि मीथेन है, क्लोरीन है, CH3Cl और HCl, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ और एक क्लोरीन यहां पे ज्वाइंट हो गया। मैं तुम्हें रिएक्शन समझाता हूं, फट से समझ में आ जाएगा। तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा CH4, CH3 और H है, ठीक है, ये हो गया ना, CH4 ही हो गया, प्लस तुम्हारा जो Cl2 है वो ऐसे लिखा हुआ है ClCl, तो ये यहां से ऐसे चला गया और ये इसके साथ ऐसे कंबाइन हो, तो क्या बना CH3Cl और यहां पे HCl बना। सिंपल है, इस तरीके से रिएक्शन तुम 11 12th में पढ़ोगे बहुत डिटेल में और तुम्हें सारी चीजें आ जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, मीथेन की यूजेस के बारे में बात करते हैं। मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मीथेन नेचुरल गैस के फॉर्म में इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, सच एज फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन एक्सेट्रा। ये स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन जब तुम पढ़ रहे थे तो मीथेन वॉज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, CH4 पहला, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन, तो इसमें जो प्रोपोर्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है इसको बर्न करने पर बहुत ही कम होता है, मीथेन में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन स्मॉल एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज हो रहा है, मतलब कम पॉल्यूशन होगा और इसको डोमेस्टिक फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजेस क्या है इसके आगे, मीथेन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल, मिथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड एंड एसिटिलीन में इसका यूज किया जाता है। एसिटिलीन कुछ नहीं होता, 10th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज, CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है तुम्हें बताना कमेंट करके। बस एक बात बता देता हूं, जब भी एसिटा लिखा हो तो दो कार्बन होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म, मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है CH2Cl2 CHCl3 CH3Cl CCl4, वैसे तो सारी चीजें बनाता है बट क्लोरीनेशन जो हमने पढ़ा उसमें क्या बनाता है तुम्हें बताना है, ठीक है। दैट इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है नीचे कॉमेंट करके बता देना। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक डायग्राम कहाँ गया, अच्छा डायग्राम बहुत दूर आ गया, ठीक है, तो ये डायग्राम के बारे में हम समझेंगे, बस पहले बीच में थोड़ी सी चीजें हैं जो देख लेते हैं, ठीक है। एनिमल डंग, यही है ना, यस, तो देखो एनिमल डंग मतलब गोबर वगैरह, ड्राई लीव्स पत्ते, वेट गार्बेज जो भी हमारे घर का होता है सब्जी वब्जी काट करके, वो सारे ही डिकम्पोज हो जाते हैं एंड एरोबिक माइक्रोब्स की मदद से इन बायोगैस प्लांट, जो हम आगे पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर ये सारी चीजों को डिकम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस मीथेन गैस आल्सो कॉल्ड एज बायोगैस, इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है जिसको बायोगैस भी बुलाया जाता है। बायोगैस इज वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन, ये बहुत ही सस्ता फ्यूल ऑप्शन है और ये कुकिंग के डिमांड को मीट कर देता है, जो भी कुकिंग का डिमांड है ना घर में उसको ये मीट करता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी, मतलब कई सारे बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी होते हैं। बायोगैस कंटेन अबाउट 55-60% ऑफ मीथेन, बायोगैस जो होता है उसमें 55-60% तक मीथेन होता है और बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बायोगैस फ्यूल कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए, इसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया मैन्यूअर का भी ऑप्शन है, मतलब जो कि एक साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसमें, वो एक बहुत बढ़िया मैन्यूअर होता है जिसको खेत में इस्तेमाल किया जा सकता है और फर्टिलाइजर्स की तरफ, तो उससे हमारी उपज भी अच्छी होगी। ये एक डायग्राम है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्लरी है, स्लरी मतलब मिक्सचर गोबर का, ड्राई लीव्स जो भी चीजें उनका, उनको नीचे छोड़ा जाता है। यहाँ पे एक टैंक होता है जिस टैंक में वो भरते हैं और धीरे 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 वो डिकम्पोज होता है। यहाँ पे ये गैस टैंक जो है इसके ऊपर एक चीज होता है जहां से गैस पास होता है, अब ये जो गैस है ऊपर निकलता है और ये फिर जहां भी सप्लाई देना है वहां पे जाता है और इसको बर्नर की मदद से आग लगाया जाता है। अब ये डाइजेस्टर जो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से जब चीजें थोड़ी बाहर हो जाती है तो ये बाहर निकल जाता है, यहां से थोड़ी बाहर आती है और इसको हम निकाल करके एज अ मैन्यूअर या फिर फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ये एक रफ आइडिया दिया मैंने तुम्हें कि किस तरीके से ये काम करता है। अब मेरी बात सुनो, बायोगैस प्लांट में अगर तुम्हें इसको एकदम डिटेल में जानना तो मुझे बताना, मैं एक एनिमेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा इस चीज के ऊपर। बायोगैस जो प्रोडक्शन होता है ये दो इसमें होता है, दो चीजें इन्वॉल्व करता है। पहले एक चीज सुनो, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एन एरोबिक प्रोसेस, जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है ये एक एन एरोबिक प्रोसेस है, ये दो स्टेजेस में होता है जैसा कि मैं तुम्हें बताया था। स्टेज नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ एसिड, जिसमें एसिड प्रोड्यूस किया जाता है।
द माइक्रोब्स एक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जो भी चीज हमने डाली है स्लरी मटेरियल, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके ऊपर माइक्रोब्स अपना एक्ट करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक एसिड. कौन सा ऑर्गेनिक एसिड अभी तुम्हें पता चल जाएगा. दूसरा है मिथेन गैस का प्रोडक्शन. द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक एसिड टू प्रोड्यूस मिथेन गैस. ये जो बैक्टीरिया है ये उन ऑर्गेनिक एसिड जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर एक्ट करके, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करके क्या बनाता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है. रिएक्शन ये है, ये जो ऑर्गेनिक एसिड था तुम्हारा ये एसिटिक एसिड था बेसिकली, CH3COOH, इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है इसको, और ये तुम्हारा CH4 है, ठीक है, मीथेन और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक खत्म. बायोगैस प्रोड्यूसर्स डैश गैस, तुम्हें कमेंट में आंसर बताना है. बायोगैस प्रोड्यूसर्स डैश, ये तुम्हें नीचे आंसर बताना है. ऑर्गेनिक एसिड, मीथेन गैस, बोथ, नन. अब यहां पे और ये जो कार्बन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाला चैप्टर था ये पूरा का पूरा खत्म होता है. और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि मेरा एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसको मैं हर चैप्टर के एंड में बता रहा हूं बच्चों से. अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो उसको ज्वाइन कर लेना. मैं उसमें तुम्हें हेल्प करूंगा, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, गाइडेंस दूंगा और तुम्हें एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ा जाता. मुझे बताने वाला कोई नहीं था बेसिकली, तो मैं बताने के लिए मैं रेडी हूं. तुम सोचोगे कि पैसे कितने लगेंगे, फ्री में है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो पैसा एक फिल्टर है बेसिकली. तुम आकर के 4 महीने बाद अगर मुझसे पैसे मांगोगे तो मैं वापस कर दूंगा, ठीक है. ये पैसा बस एक फिल्टर है कि तुम्हें जो बोला जाए तुम करो और तुम एक्शन लो. सब लोग नहीं कर पाते, एक्शन नहीं लेते, दैट्स द फिल्टर. बेनिफिट्स क्या है, तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, मैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी. तुम जब भी बोलोगे कि मेरे को स्टडी प्लान डेवलप करके चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा. करियर गाइडेंस मिलेगा, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, तुम्हें एक इंप्रूवमेंट रिपोर्ट दिया जाएगा, तुम्हें कुछ स्टेप्स बोले जाएंगे जो तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद ही तुम्हारा इंप्रूवमेंट रिपोर्ट दिख जाएगा कि तुम समय के साथ इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है. एंड बहुत सारी कुछ देखो, प्रॉमिसेस कम करने चाहिए, निभाना दिल खोल के चाहिए. इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तुम एक डिस्काउंट कोड यूज करना विनर. वैसे चार्ज है 199 रुपीज पर मंथ, लेकिन मैंने इसको 99 रुपीज कर दिया है फॉर अ ईयर. अगर तुम इस कोड का इस्तेमाल करके जाते हो तो तुमको 99 रुपीज फॉर अ ईयर में मिल जाएगा. सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना. अभी जो पीछे मैंने बताया वो 99 रुपीज फॉर अ ईयर है जब तक ये कोड इस्तेमाल हो रहा है. मैंने कुछ नंबर रखे हैं कि इतने बच्चे ही ये कोड का इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद बंद हो जाएगा ये. तो ये कोड का इस्तेमाल करके देखना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से. अगर अप्लाई हो रहा है और 99 में हो रहा है दैट मींस की यू आर एलिजिबल, आ जाना, ठीक है. तो शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अपने अटेंडेंस मार्क कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. अगला चैप्टर बहुत जल्द आ रहा है, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच.